नीट परीक्षा में धांधली सहित अन्य मांगों को लेकर डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने जा रहे छात्रों को पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया और दौड़ाकर पीटा। रीवा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध किया था। नीट परीक्षा में हुई धांधली, नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने, नर्सिंग पीएनएटी 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्र एकजुट थे। एनएसयूआई ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अमैया स्थित आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। घेराव के लिए विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहे के छात्रों का जत्था रवाना हुआ। छात्र जैसे ही शिल्पी प्लाजा पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने छात्रों पर पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने डिप्टी सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखते ही देखते छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। डिप्टी सीएम सर के पास मांग रखने जा रहे थे कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग डिप्टी सीएम सर के पास 10 बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। बस हमें आश्वासन दिया जाता है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, और हम डीएचएस डीएमई मुख्यमंत्री सर को लेटर स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग जा रहे थे अपनी मांग रखने के लिए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनिंग किया। उसमें सारे स्टूडेंट परेशान हैं। आखिर डिप्टी सीएम सर चाहते क्या हैं? हमारे पास में होके डिप्टी सीएम सर हमारे रीवा क्षेत्र के होके, बिंद क्षेत्र के होके, हमारे नर्सिंग कॉलेज की मान्यता चली गई है मेडिकल कॉलेज की, तो अब क्या करें सर? ऐसे में हम लोग एक एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जबकि हमारे रिजल्ट में कोई घोटाला नहीं है। नर्सिंग घोटाला अलग चीज़ है, लेकिन हमारे रिजल्ट में ना तो कोई स्कैम हुआ, ना तो कोई पेपर लीक हुआ, फिर भी इन लोग हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बस हम लोग अपनी रिजल्ट की मांग लेके सर के पास जा रहे थे, तो ऐसे में लाठीचार्ज होता है सर, और उसके बाद हम लोग क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एनएसयूआई ने पहले से इंटीमेट किया था कि आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो विरोध के इनके बिंदु थे नर्सिंग की जांच को लेके, नीट की जांच को लेके, जो कि लोकल स्तर के विषय नहीं है, इनको पहले भी समझाइश दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इसमें आक्रामक प्रदर्शन होने के कारण इनके ऊपर वाटर कैन का भी प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा कुछ हुड़दंग किए जाने के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज भी हल्का फुल्का किया है, ताकि समझाया जा सके। और इन पे जो लोग उपद्रव में शामिल थे, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। करीब 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें पुलिस को भी चोट आई है, पुलिस के पैर में भी चोट आई है, तो उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे छात्रों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है।